कांग्रेस नेता व पूर्व सीपीएस नीरज भारती के ऊपर देशद्रोह केस के तहत गिरफ्तारी को तत्काल प्रभाव से वापस लेने हेतु हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने एसडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का कहना है कि जिला कांगड़ा से कांग्रेसी नेता व पूर्व सीपीएस नीरज भारती को देशद्रोह के केस में गिरफ्तार करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है तथा प्रदेश सरकार की सरासर तानाशाही है। प्रदेश सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। युवा कांग्रेस अवगत करवाना चाहती है कि पूर्व विधायक व पूर्व सीपीएस नीरज भारती केंद्र की बीजेपी सरकार पर प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करते रहती है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा उनके खिलाफ जबरन 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करना अत्यंत निंदनीय है, जिसे युवा कांग्रेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हिमाचल युवा कांग्रेस ने मांग करते हुए इस मामले में कड़ा संज्ञान लेने तथा नीरज भारती की गिरफ्तारी रद्द कर उनके खिलाफ झूठे देशद्रोह के मुकदमे को तुरंत वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करना देशद्रोह नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतागण कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्रता सेनानी नेताओं व कांग्रेस के संवैधानिक पद पर रहे बड़े नेताओं के खिलाफ बहुत गलत शब्दों एवं भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार बीजेपी से जुड़े ऐसे नेताओं पर व कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व पीएम नेहरू, इंदिरा व राजीव गांधी सहित कई सम्माननीय नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। युवा कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना कोई देशद्रोह नहीं है, इसलिए नीरज भारती के खिलाफ 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा युवा कांग्रेस प्रदेश भर में बीजेपी सरकार की तानाशाही के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी तथा प्रदेश भर में जगह जगह उग्र आंदोलन करेगी, जिसके लिए प्रदेश सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। इसलिए कांग्रेस नेता व पूर्व सीपीएस नीरज भारती को तुरंत रिहा किया जाए। आज एसडीएम हमीरपुर के माध्यम से हमने राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य मुद्दा है पूर्व ज्वाली के विधायक व पूर्व सरकार में सीपीएस रहे उनके ऊपर 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलाकर हिमाचल सरकार ने पुलिस को आगे करके उनको कल शाम को अरेस्ट कर लिया था। हमारी राज्यपाल महोदय से यह विनती है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए व लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से कोई सवाल करना या उनसे कोई पूछताछ करना ये गलत बात नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यूथ कांग्रेस सड़कों के ऊपर उतरेगी और जोर शोर से सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। आज हम महामहिम राज्यपाल को एसडीएम साहब के माध्यम से हम ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें कल सरकार और पुलिस के द्वारा पूर्व विधायक नीरज भारती जी को अरेस्ट कर दिया गया है और उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया गया है। तो हमारा ये मांग है कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। मात्र सरकार से कोई प्रश्न पूछना देशद्रोह का मुकदमा नहीं ठहराता। हमारे देश में गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग भी सरेआम घूम रहे हैं, संसद में बैठे हैं, लेकिन अगर कोई सवाल सरकार से सवाल पूछता है तो 124 से सेडिशन का चार्ज उस पर कहीं फिट नहीं बैठता। अगर हाँ उनसे कोई दिक्कत है उनसे प्रश्न कीजिए, उन्हें बुलाइए, लेकिन सरकार से सवाल करना हर किसी का हक है और एक स्वस्थ लोकतंत्र में सबको अधिकार है एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाने का। जिस तरह से उन्हें एकदम शिमला बुला लिया, अरेस्ट लिया गया, इसका सारी युवा कांग्रेस आज पूरा विरोध कर रही है और हम समय रहते वक्त आते लगातार मोदी सरकार से सवाल उठाते रहेंगे, जयराम सरकार से सवाल उठाते रहेंगे और उनसे ये मांग है कि वो एक समान सबसे डील करें। हमने भी कुछ दिन पहले अर्णब गोस्वामी की कंप्लेंट की थी, पूरे हिमाचल में 48 थानों में कंप्लेंट की गई, लेकिन अभी तक उन्हें किसी ने बुलाया क्या? तो हमारी ये मांग है कि उनके भाजपा के और उनके सरकार के लीडर हमारे स्वतंत्रता सेनानी को गाली देते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली देते हैं, हम पुराने प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, किसी ने उन पर अभी तक देशद्रोह का मुकदमा चलाया क्या? तो यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है और विद इन द लिमिट्स हर किसी को अपनी बात रखने का आधार है। तो हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी नीरज भारती को रिहा किया जाए।